ये है एक कमर्शियल इलेक्ट्रिक आयरन। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। सबसे पहले हम इसे सीरीज कनेक्शन में चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर करते समय अपने सेफ्टी का जरूर ध्यान रखिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसके बॉडी में करंट आ रहा है, यानी कि ये आयरन शॉर्ट हो गया है। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। फ्रेंड्स, इसको खोलते समय सबसे पहले वाले लेयर को सावधानी से निकालिए, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल से बना हुआ होता है। तो अभी आप जो देख रहे हैं, ये है इस आयरन का कॉइल। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये जो कॉइल है ये एक साइड से बर्न हुआ है, जिससे कि इसके नीचे वाला जो फाइबर ग्लास का लेयर था वो लेयर बर्न होके ये कॉइल बॉडी के साथ टच हो गया है, जिस कारण ये कॉइल शॉर्ट हो गया है। तो चलिए इस कॉइल को बाहर निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, इस कनेक्टर के द्वारा इस कॉइल में इनपुट सप्लाई जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ये एक कॉमर्शियल इलेक्ट्रिक आयरन है, इसलिए इसके अंदर का कॉइल भी बहुत ही पावरफुल है, जो कि 1500 वाट का है, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। तो चलिए अभी इस कॉइल को फिट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, नए कॉइल लगाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखिए, पुराने कॉइल में से जो फाइबर ग्लास का पार्ट निकला था उसे पहले लेयर में अच्छे से सेट कर लीजिए, ताकि एक एक्स्ट्रा लेयर का प्रोटेक्शन बन जाए इस आयरन में, और जिससे कि ये कॉइल जल्दी ख़राब भी ना हो। तो चलिए अभी इसे फटाफट सेट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। खाली कॉइल के अंदर के दो प्लेट को कनेक्ट करना है इस कनेक्टर के साथ। तो चलिए अभी इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहले इसको सीरीज कनेक्शन में चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड, हमारा ये आयरन का जो प्रॉब्लम था शॉर्टिंग का, वो प्रॉब्लम का कंप्लीट सलूशन हो गया है। तो चलिए अभी इसके हीटिंग को भी एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, हीटिंग चेक करने का सबसे आसान तरीका है वाटर। देखिए कितने जल्दी से ये आयरन हीट होके इस वाटर ड्रॉपलेट्स को गायब कर दे रहा है। फ्रेंड्स, इस तरीके का जो आयरन हम लोग घर पे इस्तेमाल करते हैं, उसका भी रिपेयरिंग सीखने के लिए ये वाला वीडियो जरूर देखिए। फ्रेंड्स, इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं अरिंदम, मिलते हैं एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।